Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AITS मेजर टेस्ट 5 का जो पेपर आपका हुआ है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरा नाम दीपक दीप है, तो अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इनटू 10 पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया हुआ है 6.022 इनटू 10 पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स। आपको जैसे पता है कि वन मोल का मतलब होता है, वन मोल मॉलिक्यूल अगर होता तो ये होता 6.02 इनटू 10 पावर 23। बोले तो ये उसका 10 टाइम्स है, तो कहा जा सकता है दिस मच इज 10 मोल CO मॉलिक्यूल्स। और अगर ये 10 मोल CO मॉलिक्यूल्स है तो ये बराबर होगा 5 मोल O2 मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि एक मोल CO में एक मोल O एटम है, एक मोल O एटम में दो मोल आधा मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इसका 51 का आंसर बन जाता है सेकंड, दैट इज 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2। क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब आप सब जानते हैं कि क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल मॉलिक्यूल। सिंपल क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं अब हम। 52 है, इफ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3, एक रिएक्शन चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 52 की डिमांड है एक बैलेंस्ड इक्वेशन। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से तो देता है Al2O3। अब अगर हम बैलेंस करते हैं तो इट विल बी 3/2। और मुझे लगता है कि इक्वेशन जिस बच्चे ने बैलेंस किया होगा, बैलेंस करते हैं उसको आंसर मिल गया होगा, तो इसके आगे तो फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये 1.5 मोल हो तो ये कितना होगा, तो दिख रहा है 3/2, 1.5 मोल, तो ये अगर 2 बैलेंस हुआ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 ग्राम, बोले तो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिक्वायर्ड। तो ये यूज होगा टोटल 54 ग्राम, ग्राम में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 52 ये था। 53 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 था बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। अगर हम 4f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो n की वैल्यू 4 अंडरस्टूड है। 4f बोलते आपको समझ में आ गया होगा कि n की वैल्यू तो 4 है, l की वैल्यू 3 है, तो m परमिसिबल -3 to +3 सारी वैल्यू और s ±2 परमिसिबल है। तो ऐसे ऑप्शंस को हमें देखना है जिसमें ये वैल्यूज कोई भी हो ऐसा। तो मुझे लगता है 53 भी आपको समझ में आता होगा, आंसर विल बी फर्स्ट, क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़। सेकंड ऑप्शन में n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 4 दिया है तो वो गड़बड़ है। थर्ड में n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 3 बट m इज इक्वल टू अगेन +4, 4 इज नॉट परमिसिबल। फोर्थ ऑप्शन इज n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, ये तो d सबशेल के लिए हो जाएगा तो गड़बड़ है, हमें 4f के लिए ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 53 के बाद फिजिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट r इज क्लोज टू, r की वैल्यू लीटर एटमोस्फेयर में दी हुई है बच्चे, और मुझे लगता है हर बच्चे को ही आता होगा 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है किसी को डाउट ना हो, क्योंकि आर की जो हम सबसे ज्यादा वैल्यू यूज करते हैं वो इनफैक्ट यही तो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें बच्चे, तो 58 इज कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, और सारे ऑप्शन में वर्क है, आप खूब जानते हैं कि डेल्टा यू वर्क के बराबर तब होगा जब क्यू जीरो होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू व्हेन डब्ल्यू इज जीरो। तो ये कह रहा है कि
अब बताइए मुझे कि वर्क के बराबर कब होगा, तो क्यू को जीरो करना है, तो क्यू जीरो कब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबेटिक। इसीलिए कहा जाता है कि वर्क ऑफ एडियाबेटिक इज एक्चुअली स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, सिंस इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो मुझे लगता है 58 भी आपसे सही हुआ होगा, 58 में भी किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें पेपर में, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 में अमोनियम कार्बामेट है, NH2COONH4 सॉलिड डिकम्पोज होता है तो देता है अमोनिया गैस और CO2 गैस। बैलेंस किया तो ऐसा कुछ 2NH3 प्लस CO2 गैस। एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन KP इज गिवन लाइक 2.9 × 10⁻⁵ एटमोस्फियर का पावर 3। क्वेश्चन इज इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विद 1 मोल ऑफ कंपाउंड द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, से कि अगर ये डिकम्पोज होगा ये 2 मोल बनेगा तो 1 मोल बनेगा, मतलब इसकी वजह से अगर प्रेशर 2p है तो इसकी वजह से p है, एंड kp कैन बी रिटन एज 2p का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p। तो kp 2.9 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू 4 × p³। 4p² × p, तो p³ इज इक्वल टू 2.9 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4। यहां से हमें p निकालना है और आंसर विल बी टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज 2p प्लस p। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर 2 मिल जाता है, 5.82 × 10⁻²। तो सॉल्व करके मुझे लगता है ये भी आपने कर लिया होगा। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का। सबसे आसान तरीका यही है कि हम प्रेशर को एज पर मोल डिवाइड कर लें, कि अगर एक 2 मोल बनता है कि 1 मोल बनता है, तो एक हमारा 2p प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा तो एक p प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा, और मुझे लगता है सबसे हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि द रिएक्शन कोसेंट इज यूज्ड टू। आपको पता है इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने इसीलिए तो पढ़ा है कि आपको यह पता लग पाए कि व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो बताया वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम कंपेयर करते हैं क्यू से, या रेदर क्यू व्हेन कंपेयर्ड विद क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं हम लोग। 60 क्यू की वैल्यू के बराबर होती है तो आप कहते हैं प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम है। अगर क्यू बड़ा है के से तो आप कहते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा है ऑप्टिमम से, मतलब टू अचीव इक्विलिब्रियम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट होना होगा। तो हमें इक्विलिब्रियम किधर भागता हुआ दिखाई देता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा है के से, और क्यू अगर के से कम है तो हम समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट अभी कम है, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाना होगा उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर हमको ये बात याद हो इक्विलिब्रियम की तो हम समझ पाते हैं कि क्या बताता है ये। पहला ऑप्शन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये तो गलत हो गया क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो बताया वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो ये सबको पता होगा। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज राइट, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड ये डिसाइड कर पा रहे हैं जब क्यू की वैल्यू के से कंपेयर करते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्यू नहीं बता सकता, वो तो रैंडम वैल्यू होती है, तो आंसर शुड बी सेकंड। मुझे लगता है ये भी सही होगा, डेफिनेशन है क्यू का तो हर बच्चे से सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 61 था के एसपी ऑफ CrOH होल थ्राइस, Ab3 टाइप का सॉल्ट है CrOH होल थ्राइस, अगर ये आयनाइज होगा वाटर में तो Cr3 पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस देगा, इनफैक्ट 3 आयंस, अगर ये S है तो 3S होगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि KSP जो होगा वो S3S का क्यूब होगा, और हम समझ पा रहे हैं 27S का पावर 4 होगा, तो S की वैल्यू KSP डिवाइडेड बाई 27 का पावर 1/4 एंड दैट विल बी आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 61, तो आंसर समझ में आता है सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। हेनरीज लॉ का बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आप कोई गैस डिजोल्व करते हैं तो गैस का डिजोल्यूशन इज ऑलवेज एंडो एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करके डिजोल्व होगा। और दूसरी बात कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस बाहर भाग जाता है, मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। तो अगर ये पता है आपको तो आप कह सकते हैं इसका आंसर, ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एज वेल एज रिवर्सिबल, तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा सेकेंड थियोरी है। क्वेश्चन नंबर 66 अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी है उनमें से। तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपर प्रेशर इज नॉट अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है 66 भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे से हुआ होगा, 66 का आंसर थर्ड हो जाता है। नॉन स्टिक क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नॉन स्टिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, 67th क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 67 में, कि नॉन स्टिक इक्वेशन के लिए इनमें से क्या गलत है अगर क्यू बराबर है केसी के। क्यू बराबर है केसी के मतलब आप इक्विलिब्रियम पे हैं, और इक्विलिब्रियम पे हैं तो आप ये समझते हैं कि डेल्टा जी जीरो हो जाता है, मतलब ई सेल जीरो होता है, तो पक्का ई सेल इज नॉट इक्वल टू ई नॉट सेल, क्योंकि ई नॉट सेल तो कुछ वैल्यू होगी। तो आंसर इसका हमारा क्या बन जाता है, आंसर जिसमें लिखा है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो आंसर विल बी फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर फोर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखो बच्चे, तो कह रहा है कि रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा होगा कि रेट जो होता है वो उसके स्टेप्स को, उसके सिंगल स्टेप को देख के, उसके मॉलिक्यूलरिटी को देख के लिखा जा सकता है। मतलब अगर ये 2a प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट अगर था, तो रेट लॉ r इज इक्वल टू के a का पावर 2 और b का पावर 1, ये थियोरेटिकल रेट लॉ होगा और यही हम रेट एक्सप्रेस करेंगे। तो आंसर इसका समझ में आता है कि सेकंड हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 अगर देखो बच्चे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का पूछ रखा है। आपको पता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, और उसका डिपेंडेंस आपको क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहे हैं हम लोग। रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। तो समझ में आता है कि अगर जीरो ऑर्डर है ये काइनेटिक्स, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हम इसको मोल पर लीटर को कैपिटल एम पर सेकेंड लिख सकते हैं। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये पावर जीरो हो जाएगा, तो पावर जीरो बोले तो वन, तो ये पर सेकेंड भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सब लोगों से हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 69 कुछ ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास इज गिवन इन ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी, यूज एच बाई 4π इन अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन हेयर, एच इज लाइक दिस, एच की वैल्यू दे दी है। तो आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चे, एच बाई 4π, और हमें क्वेश्चन करते वक्त हम इक्वेट कर रहे होते हैं, मिनिमम वैल्यू बता रहे होते हैं, तो इक्वेट कर देते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन चाहिए क्वेश्चन में, तो डेल्टा एक्स कैन रिटर्न एज एच बाई 4π एम डेल्टा वी, एच की वैल्यू सीजीएस यूनिट 6.626 × 10⁻²⁷ डिवाइडेड बाय 4 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 3.0
3×10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है 0.001% बाई 100, तो इस 100 को ऊपर लिख देते हैं। अगर हम ये सॉल्व करें तो वी गेट द आंसर, आंसर विल बी, आंसर फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1.93 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 86 का। तो एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है वैल्यू बस पता होनी चाहिए थी। सही सही। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 है बच्चे, 87th है। CO2 सॉलिड गोज टू CO2 गैस। इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम का साइन दिया हुआ, इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ, और डेल्टा जी के बारे में पूछ रहा है, तो प्रिज्यूम किया कि प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा जी जीरो कहा, डेल्टा एच तो पक्का इस प्रोसेस का क्या होना है, जो कि सॉलिड से गैस जा रहा है तो पॉजिटिव है, और डेल्टा एस सॉलिड से गैस जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो आंसर शुड बी डेल्टा जी जीरो, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, ये हम लोग कर सकते हैं। तो फोर्थ आंसर 87 का बन रहा है, मुझे लगता है ये आता होगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे खेल गया है। क्वेश्चन नंबर 88 सिंपल है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशन। HF एक एसिड है और F नेगेटिव उसका कंजुगेट बेस है, और फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर आप जानते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर के मल्टीप्लाइड बाई के बी जो होता है बराबर होता है किसके बच्चे, KW के। तो ये हर बच्चे को नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाई KW। आंसर 88 का क्या हो जाना है, थर्ड। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है ये हमारा है सॉलिड स्टेट से, एक CCP है, तो CCP की पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको याद हो तो आप कहते थे कि CCP बोले तो FCC 74%, और दूसरा BCC की बात कर रहा है तो BCC बोले तो 68%। तो ये अनऑक्यूपाइड साइट पूछा है, आपको एफिशिएंसी पता है मतलब ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड बोले तो कितना खाली है, और खाली इसका ठीक 100 में से घटा के आ जाएगा, तो 26% एंड 32% विल बी द आंसर। तो 91 का आंसर हमारा 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 अगर आप देखें तो 92 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व्ड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 30 मिनट्स। 2 एम्पियर का करंट है जी, पास किया है 30 मिनट के लिए, तो कह रहा है कि NaCl से ये बात की है हमने, तो आप बताइए कि क्या होगा। आपको पता है कि Cl नेगेटिव से Cl2 चाहिए, आपको Cl नेगेटिव से Cl2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 1 मोल मिलेगा, मतलब आपको 1 मोल बोले तो 71 ग्राम क्लोरीन चाहिए, तो आपको 2 फराडे 2×96500 कूलम्ब चाहिए एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये कह रहा है कि हमको चाहिए 2 एम्पियर के करंट से, उल्टा करके इसको लिखते हैं वो बेहतर होगा, हम लिख सकते हैं 2×96500 को लंब से मिलता है आपको 71 ग्राम। तो आप बताइए मुझे 2 एम्पियर का करंट 30 मिनट तो सेकेंड में कर दिया तो कितना मिलेगा, तो ये 71/2×96500 multiplied by 60 ग्राम हो जाएगा। तो अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 1.32 ग्राम आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना होगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो इससे हम चले जाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ का क्वेश्चन होता है, अगर आप मोल कंसेप्ट से करना चाहें तो बैलेंस करके, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो बिना बैलेंस किए होता है। एडवाइज्ड है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की आदत लग जाएगी, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बिलोंग्स टू सरफेस केमिस्ट्री, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन सोप लेदर। हर बच्चे ने सोप लेदर पढ़ा नहीं, देखा भी होगा, और सोप लेदर में लिक्विड के अंदर गैस डिस्पर्स्ड रहता है, तो डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड।
तो मुझे लगता है ऑन द होल ये पेपर एनसीईआरटी से है, पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छा पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर है, आपने अच्छा किया होगा। और ये था सारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।